कहते हैं पतिव्रता पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपने पति की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा ही कल कुछ फतेहगढ़ में हुआ, आपको बताते हैं। जब एक महिला ने अपने लिपिक पति को उसके महिला मित्र के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और क्या कुछ हुआ हम आपको जानकारी देते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात एक लिपिक की पत्नी ने महिला मित्र के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी व परिजनों ने दोनों की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पकड़कर कोतवाली फतेहगढ़ ले आई। महिला को परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। आपको बताते चले फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक कॉलोनी निवासी युवक बेसिक शिक्षा विभाग में ब्लॉक में लिपिक पद पर तैनात हैं। वह शनिवार को अपनी महिला मित्र के साथ सेंट्रल जेल चौकी के पास बने एक मकान में आराम कर रहे थे। इस दौरान उनकी पत्नी लिपिक की पत्नी परिजनों के साथ मौके पर पहुंच गई। पत्नी व परिजनों ने लिपिक व महिला मित्र को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, देखते ही देखते वहां पर मारपीट होने लगी। पत्नी व परिजनों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची मौके पर पुलिस दोनों को पकड़कर फतेहगढ़ कोतवाली ले आई। महिला मित्र के परिजन भी मौके पर वहां पर पहुंच गए। दो घंटे बाद पुलिस ने महिला मित्र को परिजनों को सुपुर्दगी में दे दिया। तो वहीं शिक्षा विभाग में तैनात लिपिक की ओर से एक बार माफ किए जाने पर समझौते को लेकर वार्ता चलती रही। लिपिक शिक्षक संघ के एक नेता के रिश्तेदार भी हैं। बीएससी गौतम प्रसाद ने बताया उनको इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना के बारे में, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।